हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ तंदूरी प्याज की रेसिपी शेयर करूंगी। ये 2 मिनट में बन जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे कबाब, बारबेक्यू, बिरयानी और नान के साथ खा सकते हो। तो चलिए तंदूरी प्याज को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है, जिस तरह से हम सैलड के लिए कट करते हैं। अब हम प्याज के रिंग्स को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे रिंग्स को सेपरेट कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, सिर्फ रेड कलर ही देती है, तो इसलिए मैंने इसके साथ ही रेड चिली पाउडर भी यूज़ की है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून चाट मसाला, स्वादानुसार नमक, और लास्ट में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब विनेगर। आप चाहे तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही आता है। और अब हम इसे जेंटली मिक्स करेंगे। इस प्याज को और मसालेदार बनाने के लिए आप इसमें काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, पुदीना या फिर हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे जेंटली मिक्स कर लिया है। हमने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली है, इसीलिए हमारा प्याज बहुत ही रेड कलर में दिख रहा है, पर ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर की वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया पत्ता। अगर आपको चाट मसाला इसमें ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा प्याज और मिक्स करिए, ऐसा करने से टेस्ट बैलेंस हो जाएगी। तो इसे अब हम नींबू के साथ सर्व कर लेते हैं। तो ये तंदूरी प्याज हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे कुलचा, नान, पराठे, बारबेक्यू फूड, कबाब या फिर बिरयानी के साथ खा सकते हो। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।